विधायक कार्यालय मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस समारोह में वीर सैनिक का किया गया सम्मान। खैलांजी तहसील मुख्यालय के विधायक जनसंपर्क कार्यालय में 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान विधायक व खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के द्वारा कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया तथा गणतंत्र दिवस समारोह में ग्राम गुबड़गोंदी के साहसी और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित वीर सैनिक दिनेश लिल्लारे का विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अध्यक्ष पुष्पावंती लिल्लारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती स्मिता प्रदीप जायसवाल, पेकललाल डोरे, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष निवृत्तमान अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, जनपद पंचायत अध्यक्ष वाराशिनी शुभलाल नकपुरे, राम प्रसाद तीतरमारे, कोमल लिल्लारे, कीर्ति रांगडाले, रूपलाल पटले, जनपद पंचायत सदस्य मन्नू राम टेके, ज्ञानी राम लिल्लारे, देवेंद्र बारेवार, दाऊद मंशूरी, नरेंद्र साहू, गुड्डा कुरेशी, हेमंत ठकरेले, नरेंद्र आंगडाले, विक्की लिल्लारे, भवन मेश्राम, विनय सुराना, बुधराम बैटवार, टिकेंद्र पटले, पुरुषोत्तम द्वारे, भैयालाल लिल्लारे, मधुकर पोरवगड़े, शिवचरण मस्करे, संजू रांगडाले, संजय मस्करे, संजय दमाए, मुकेश दमाए, राजकुमार बैटवार सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। खैलांजी से किशन बैटवार। 53 बटालियन बारामूला, जिसमें उड़ी सेक्टर में आतंकी हमला हुआ था, इसमें 4 आतंकी घुस आए थे जैसे मोहम्मद के पाकिस्तानी, उन्हें हम लोग ने मार गिराया था, जिसके लिए हमारी टीम थी जिसमें 7-8 लोग थे हम लोग, जिससे हमें बहुत खतरों से घिरना पड़ा, मगर हमें उनको मार गिराया था पति। ये उस टाइम की बात है जिसमें मतलब 23 सितंबर 2017 की बात है जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया था। अच्छा, इस घटनाक्रम में तो आपकी खुद की जान भी जोखिम में रही होगी। हम लोग की भी जान जोखिम में थी, मगर जोखिम उठाकर हम लोग ने उनका सामना किया, उन सबको मार गिराया। भैया, आप रहने वाले कहाँ के हैं? एकदम मैं मुकाम गोबरगोंदी का रहने वाला हूँ, खैलांजी क्षेत्र। अपने खैलांजी क्षेत्र के गोबरगोंदी के निवासी हैं आप। आज गुड्डा भाई ने आपका सम्मान किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ कि मतलब एक हमारे विधायक जी और जो मतलब खनिज मंत्री जी ने मेरा सम्मान किया और सम्मान कर मुझे पुरस्कार से किया। बहुत अच्छा लगा कि हमारे मतलब विधायक जी ने सम्मानित किया है। एक बात और कि भी इस क्षेत्र के अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी युवा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आर्मी में जाने के लिए, तो उनके लिए क्या संदेश आपका? ये संदेश है कि उन्हें अपने लगन के साथ मेहनत करते रहना चाहिए, सुबह का व्यायाम भी करना चाहिए और माइंड से भी होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे मतलब करना है तो जॉब करनी है, जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिसका फल उन्हें मिलेगा।